नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर एंटरटेनमेंट। और आज के एंटरटेनमेंट में हम आपको बता रहे हैं कि लंबे समय के इंतजार के बाद रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 83 अब रिलीज हो चुकी है। दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। फिल्म कपिल देव के 1983 के वर्ल्ड कप जीतने की गाथा व्यक्त करता है। इस फिल्म के रिलीज के साथ ही पूरे भारत को 1983 की यादें ताजा हो गई है। यह वही साल है जब भारत ने पहली बार क्रिकेट की दुनिया में अपना परचम लहराया था। भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर विश्व कप को पहली बार जीता था। दरअसल भारत के लिए इस टूर्नामेंट को जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि उस समय वेस्टइंडीज की पूरी टीम विश्व में सबसे उत्तम टीम मानी जाती थी। इससे पहले वह लगातार दो बार विश्व कप का खिताब जीत चुकी थी, जिसके जवाब में भारत का प्रदर्शन पिछले टूर्नामेंट्स के हिसाब से कमजोर रहा था। इसके बावजूद उस समय टीम में मौजूद खिलाड़ियों के कपिल देव ने नेतृत्व में विश्व कप को अपने नाम किया था। उस समय भारतीय टीम में सुनील गावस्कर बतौर कप्तान, कृष्णमाचारी, श्रीकांत, मोहिंदर अमरनाथ, यशपाल शर्मा, कपिल देव, कीर्ति आजाद, रोजर बिन्नी, संदीप पाटिल, मदन लाल सैयद, किरणामी और बलविंदर सिंधु शामिल थे। भारत भले ही फाइनल्स में पहुंच चुका था, पर दो बार विश्व चैंपियन के आगे टिक पाना अभी भी मुश्किल लग रहा था, और हुआ भी ऐसा ही। भारत अपने बल्लेबाजी के दौरान केवल 184 रन ही जोड़ पाया, जिसमें भारत की ओर से सबसे अधिक रन 38 रन कृष्णमाचारी श्रीकांत ने बनाए थे। इसके बाद सबसे अधिक रन संदीप पाटिल ने 27 और मोहिंदर अमरनाथ ने 26 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। कपिल देव ने तेज 15 रन बनाए थे। इतना कम स्कोर वेस्टइंडीज के लिए शायद ही बड़ा लगा होगा, मगर कहते हैं कि क्रिकेट में संभावनाएं अक्सर गलत हो जाती हैं। भारतीय टीम की गेंदबाजों ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को न थी। भारत की ओर से मदन लाल और मोहिंदर अमरनाथ ने 3-3 विकेट लिए थे, जबकि बलिंदर साधु को 2 और कपिल देव को, रोजर बिन्नी को 1-1 विकेट मिला था। रिचर्ड्स का अहम विकेट मदन लाल ने लिया था, जिन्हें कपिल देव ने कैच किया था, और इस प्रकार भारत ने पहली बार विश्व कप अपना अधिकार जमाया था। रणवीर सिंह की फिल्म 83 उन्हीं यादों को ताजा करती है। रणवीर सिंह को इस फिल्म में पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उनका गेटअप उस वक्त के कपिल देव से हूबहू मेल खाती है। अगर आपने अब तक यह फिल्म नहीं देखी तो जरूर देखें। इसे देखने के बाद शायद आपको एहसास होगा कि भारत महान क्यों है। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा डीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।